हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में हम गोरखपुर से अयोध्या और अयोध्या से लखनऊ ट्रेवल करेंगे। तो आज हम हाईवे पे देखेंगे कि हमारी गाड़ी कितना बढ़िया कैसे परफॉर्मेंस देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी गोरखपुर से अयोध्या तक। हम आपको बीच में अच्छी अच्छी व्यूज़ दिखाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस समय हम चल रहे हैं NH24 हाईवे पे, जो कि बहुत बढ़िया हाईवे है। इसकी जो रोड है बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि रोड कितने खाली हैं। इस समय हम 70 की स्पीड से गाड़ी पे चल रहे हैं और एकदम एहसास ही नहीं हो रहा है कि गाड़ी 70 चल रही है। हम आगे 100 भी चलाएंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कभी आप 100 से ऊपर ना चलें, क्योंकि ओवर स्पीडिंग हमेशा ख़तरनाक होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड खाली है और ये पूरी रोड सीधी चल रही है। तो ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये ओवर फ्लाई ओवर है जाने के लिए। ये जो हाईवे है ये आपका बनारस वाला हाईवे। यहाँ से हम राइट निकलेंगे और ये गोरखपुर और लखनऊ हाईवे पे हम जाके मिल जाएंगे। अब इस आगे वाले टर्न पर हम टर्न करके गोरखपुर बस्ती लखनऊ हाईवे पे हम आ जाएंगे। और रोड को देख के ऐसा लगता है ना कि कितना अच्छी रोड है। इस पे गाड़ी चलाने का ही मज़ा कुछ और आता है। सीरियसली इस रोड पे जब आप गाड़ी चलाएंगे बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको गाड़ी चला करके। अब हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने गाड़ी में पेट्रोल फिल कराने, क्योंकि अगर हमने पेट्रोल नहीं डलवाया तो गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाएगी और हमें धक्का देके जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम तेल भरवा लें अपने गाड़ी में। तो चलते हैं, तेल भरवाते हैं, देखते हैं कितना तेल आता है गाड़ी में। और ये हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पम्प, जो कि आपका है HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ये आपका पड़ता है सजनवा में। तो हम यहाँ पर आए हैं तेल डलवाने के लिए और तेल का रेट इस समय चल रहा है 96 रुपये समथिंग। तो देखते हैं कि हमारे गाड़ी में कितना तेल आता है। तो हम आपसे मिलते हैं तेल भरवा के। तो अपनी गाड़ी को लगाकर हम डलवाते हैं तेल, देखते हैं कितना तेल आता है हमारी गाड़ी में। और ये हमारी गाड़ी में तेल फिल हो चुका है। समथिंग हमने 2000 का तेल डलवाया है, करीब 20 लीटर। इसमें करीब 3500-3200 के आसपास तेल में पैसे में ये टंकी फुल हो जाती है। और अब ये टेंशन ख़त्म हो गया कि कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, अब चलती रहेगी काउंटेंस। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं अयोध्या। सीधे हम अयोध्या चलेंगे और आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। रोड भाई साहब इतना बढ़िया, इतना मक्खन की तरह रोड है और हाईवे एकदम सीधे है। और गाड़ी हम इस समय चला रहे हैं 100-120 के आसपास गाड़ी हम चला रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही ओवर स्पीडिंग है। लेकिन हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना है, क्योंकि हमने सुबह का प्लान था 4 बजे जाने का, बट हम उठ नहीं पाए और जिसकी वजह से हम हो गए थोड़े से लेट। और हमने लेट निकला है घर से करीब आपका 7 बजे, 7 से 8 के बीच में हमने निकला है, जो कि अब वो जो हमने लेट किया उसे हम कवर करेंगे स्पीड में और केयरफुली।
ऐसा नहीं कि स्पीड में जा रहे हैं बिना केयरफुली, केयरफुली हम इसको पार करेंगे। और आइए दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं बस्ती, और ये बस्ती का टोल प्लाजा है जिसको हम बाईपास करेंगे क्योंकि इसका पैसे हम बचाएंगे, करीब 120 समथिंग लगता है। तो हम यहां से बाईपास करेंगे, राइट साइड से एक रोड जाती है जो कि 1 किलोमीटर समथिंग हमें एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, उससे हमारे 120 रुपये बच जाएंगे। तो आइए हम इसको बाईपास करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि अगर आप कभी फ्यूचर में इस रास्ते से, इस रोड से जा रहे हो तो अगर आपको बाईपास करना है तो ये तरीका है। हम दाहिने से निकलेंगे और ये जो रोड है जाके आगे टर्न होके फिर वो आके हाईवे पे मिल जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर आप कभी गोरखपुर से बस्ती से आगे जा रहे हैं तो ये टोल प्लाजा को आप बाईपास कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने 100 रुपये, 120 रुपये समथिंग अप और डाउन दोनों में बचा सकते हैं। और आगे हम और भी ट्राई करेंगे कि और टोल प्लाजा को बाईपास कर सके, अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, और नहीं पॉसिबल होगा तो भाई टैक्स तो देना ही है, रोड टैक्स। तो ये जो रोड है ये सीधे जा रही है करीब आधा किलोमीटर, लमसम आधा किलो या 700 मीटर जाने के बाद ये आपका लेफ्ट में टर्न होके बासी वाली जो रोड है उस पर वो मिल जाती है। फिर वो बासी वाली रोड सीधे चली जाती है हाईवे पर जाके बड़े बन के पास, वो ज्वाइंट हो जाती है हाईवे से, जिससे हमारा जो ये बस्ती का टोल प्लाजा है ये बाईपास हो जाता है। तो हम अब हम पहुंचने वाले हैं बासी रोड पे, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हम लेफ्ट में टर्न करेंगे और बासी बाईपास पे पहुंच जाएंगे, जो कि टोल प्लाजा पे जाके टोल प्लाजा के आगे हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप भी अगर इधर से गुजर रहे हैं तो आप भी टोल प्लाजा को बाईपास कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, जैसे कि आपका ये बेलोनो है जो भी है जा रही है मारुति की गाड़ी, यहाँ से हम टर्न लेंगे और यहाँ पे हम रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब हमने चाय वगैरह पी लिया है क्योंकि हमने थोड़ा लेट उठा था, इसलिए बिना चाय पिए हम लोगों ने टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी निकला था, जल्दी तो नहीं निकला, लेट हो गया था। तो हम चाय पीते बनाते तो और टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने चाय वगैरह नहीं बनाया और सीधे बिना कुछ पिए निकल गए थे। और आप देख सकते हैं ये जो बाईपास वाला है, ये आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये फोर लेन का फ्लाईओवर है, इसी से जाके हम कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो टोल प्लाजा है वो बाईपास हो जाएगा। हम आपको बाईपास करके दिखाते हैं, हम दाहिने टर्न करेंगे जो कि लखनऊ की तरफ जाएगा। और हमने इसी का फ़ायदा उठाया कि हम अयोध्या में जाएंगे, वहाँ पे नदी पे स्नान वगैरह अपना करेंगे और हनुमानगढ़ी वगैरह के दर्शन करेंगे और तब फिर हम लखनऊ जाएंगे। तो हमने सोचा कि जो हम पेट्रोल खर्च कर इतना पैसा, तो हम रास्ते में इसका भी लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। और हम देख रहे हैं कि जो आपका ये हाईवे है इसकी सर्विस लेन में हम चल रहे हैं, ये जाके आगे आधा किलोमीटर लमसम चलने पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा हाईवे से, जो कि हमारा टोल प्लाजा क्या होगा बाईपास हो जाएगा और हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आइए करते हैं बाईपास को और हाईवे पे पहुंचते हैं। और ये हम लोग फोर लेन पर मिल गए हैं, अभी जो हमारी गाड़ी जो बाईपास की है अभी हम फोर लेन पे आ गए हैं। अब सीधे हम यहाँ से सीधे अयोध्या जाके रुकेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हम अयोध्या के बारे में आपको बताएंगे, अयोध्या के दर्शन कराएंगे।